पीएम किसान ई केवाईसी मोबाइल से कैसे करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को लाइव प्रोसेस दिखाएंगे कि मोबाइल से पीएम किसान का ई केवाईसी कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप लाइव दिखाएंगे और साथ में क्या क्या डिवाइस सपोर्ट कर रहा है मोबाइल में वो भी बताएंगे। तो चलिए हम टाइम ना वेस्ट करके सबसे पहले आपको ले चलते हैं मोबाइल में, मोबाइल से करके दिखाते हैं पीएम किसान का ई केवाईसी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक मिल जाएगा, एक तो पीएम किसान ऑफिशियल वेबसाइट और एक डायरेक्ट सीएससी से लॉगिन। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर सीएससी लॉगिन में जाना है और क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपका आईडी पासवर्ड पूछा जाएगा, आपका आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। कुछ इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर हम जूम करके आपको दिखा देते हैं, बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिक में क्लिक करना है जैसे कि डेस्कटॉप में करते हो। याद रखो कि ये गूगल क्रोम में ओपन होना चाहिए, ठीक है, मोबाइल से अगर कर रहे हो तो गूगल क्रोम में। अब यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे और कैप्चा डालेंगे। आधार नंबर कैप्चा डालने के बाद आपको सर्च में क्लिक करना है, फिर एक मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ये सब आप सभी को, जैसे कि आप सभी को ये सब पता है, एक मोबाइल नंबर डाल देंगे, सेंड ओटीपी में क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ क्लिक करोगे आपके मोबाइल में ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी डाल देना है। जैसे इस तरह यहाँ पर देख सकते हो ओटीपी भी आ चुका है, ओटीपी डाल देते हैं और सबमिट ओटीपी में क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो सभी डिवाइस शो करने लगा। यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है कैप्चा फॉर ई केवाईसी, यहाँ पर स्टार टैग चलने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पर कैप्चा फॉर ई केवाईसी में क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखो स्टार टैग काम करने लगा। यहाँ पर और दो डिवाइस काम करने वाला है वो भी बताएंगे। अब यहाँ पर आपको ओके कर देना है, जैसे कैप्चा ले लेते हो कस्टमर का, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको सबमिट में क्लिक करना है, यहाँ पर आपको पेमेंट करना है सीएससी के थ्रू 5.34 रुपया। चलिए हम फिर से ओके करते हैं। यहाँ पर बता रहा है ई केवाईसी डन, प्लीज मेक पेमेंट फॉर केवाईसी ई केवाईसी। तो यहाँ पर ओके करना है, मेक पेमेंट में क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको रीडायरेक्ट कर देगा सीएससी के वॉलेट में। अब वहां से आपको पेमेंट करना है जैसे कि आप सभी को पता होगा। तो चलिए यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देते हैं, वॉलेट पिन डाल देते हैं और पेमेंट कर देते हैं 5.34 रुपया। वैलिडेट में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पूछा जाएगा आपका वॉलेट पिन, वॉलेट पिन डाल देंगे। नीचे यहाँ पर देख सकते हो 15 रुपया का बिल निकलेगा, अब 5.34 रुपया पेमेंट करना है। यहाँ पर देखेंगे वॉलेट पिन डाल देते हैं और सक्सेसफुली पेमेंट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर ले लिया है, ये पेमेंट सक्सेस हो चुका है। अब क्या होगा, ये रसीद दे देगा आपको। तो आप इस रसीद को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कस्टमर को देना है अगर तो। और यहाँ पर देखेंगे अभी जूम करके आपको दिखाई देंगे कि ये कब का डेट में पेमेंट किया गया है। तो चलिए इसे हम जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पर देखो ये सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है। यहाँ पर डेट देख सकते हो, यहाँ पर 22/3/2025 6:48 मतलब लगभग 7 बजे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सुबह सुबह वेबसाइट बहुत ही अच्छा चलता है, साथ में मोबाइल में काफी ज्यादा फास्ट चलता है। और मोबाइल में आपका मोर्फो नहीं चलता है, सिर्फ मंत्रा और स्टार्टेक चल रहा है। हालांकि अभी हम आयरिस स्किनर चेक नहीं किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, आपने सीख लिया कि मोबाइल से ई केवाईसी कैसे होगा पीएम किसान का, साथ में कौन कौन सा डिवाइस सपोर्ट करता है। आपका स्टार्टेक और मंत्रा का कर रहा है, आयरिस स्किनर जो है हम नेक्स्ट टाइम यूज करके देखेंगे। अगर कर रहा है तो उसका भी वीडियो डाल देंगे, सेटअप वगैरह कैसे करना है वो भी डाल देंगे। अगर स्टार्टेक का ड्राइव आपके पास नहीं है, मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, तो वो प्ले स्टोर में मिल जाता है, वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप मोबाइल से केवाईसी कर सकते हो। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना और साथ में अगर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खाली होगा, चलिए पूछ लीजिए।